हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग बहुत बढ़िया हुए। अगर दोस्तों आप लोग को भी फेस स्मूथ करने में आज ब्लैक ब्लैक लाइन आता है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो जरा सा भी आप लोग को ब्लैक लाइन नहीं आएगा। एंड देख सकते हो मेरा फेस दोस्तों कितना HDR हाई क्वालिटी में मेरा फेस स्मूथ हुआ है दोस्तों, जो मैं किया हूँ। एंड बिल्कुल सेम प्रोसेस से फ्रेंड्स आप लोग को फेस स्मूथ करना, एंड जैसा आप लोग को बैकग्राउंड वगैरह दिख रहा है दोस्तों, बिल्कुल इस तरह से आप लोग को फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। आप लोग बहुत वीडियो देखेंगे फ्रेंड्स फेस स्मूथ हो रहा, लेकिन फ्रेंड्स फेस स्मूथ करते करते आप लोग थक गए, लेकिन तो भी आप लोग को इतना हार्ड फेस स्मूथ नहीं होता होगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो बिल्कुल सेम तरीके से आप लोग फेस स्मूथ करना सीख जाओगे। एंड दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक करके प्यारा से कमेंट कर देना दोस्तों, एंड मुझे इंस्टा फॉलो कर देना फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कि मेरा है फ्रेंड्स नॉर्मल फोटो है, जो कि बिल्कुल ख़राब भद्दा टाइप का लग रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग को इस फोटो को मैं देखो इस तरह से आप लोगों को फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, फेस स्मूथ भी आप लोगों को सिखाऊंगा दोस्तों, एंड ये सब बैकग्राउंड वगैरह भी हार्ड करना सिखा दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को क्या करना है दोस्तों, नॉर्मल फोटो को आप लोग को स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर शेयर करना। एंड स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर शेयर करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप लोग को क्लिक करके दोस्तों ट्विन इमेज को सिलेक्ट करना होगा। ट्विन इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ से ब्राइटनेस को आप लोग को यहाँ पे 27 रखना है, कंट्रास्ट को 24, सैचुरेशन को 35, एम्बिएंस को 30, इतना आप लोग को कर लेना, देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद डन करके दोस्तों फिर से आप लोग को टूल्स पर जाके यहाँ पर आप लोग को सिलेक्टिव को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करके जहाँ पर आप लोग को ब्लैक है दोस्तों, वहाँ पर आप लोग को ब्राइटनेस को बढ़ा लेना होगा जहाँ जहाँ ब्लैक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर हल्का सा चेंज आया। उसके बाद आप लोग को फोटो को शेयर करके दोस्तों ना आप लोग को लेटरूम एप्लीकेशन के अंदर लेके चलना। एंड यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊंगा दोस्तों कैसे उस तरह से आप लोग बैकग्राउंड एडिटिंग करना सीख जाओगे। तो यहाँ पर मैं इम्पोर्ट कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पर हल्का टाइम ले रहा है, तो यहाँ पर हो गया इम्पोर्ट। एंड इम्पोर्ट हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हल्का सा वेट कर लेते हैं, एंड वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा फोटो है। एंड लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग एक मैं प्रीसेट दूंगा, जो कि फ्रेंड्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा। ये देखो मेरा खुद का प्रीसेट है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, 3 डॉट पे आकर दोस्तों यहाँ पे आप लोग को कॉपी सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर डन करके दोस्तों आप लोग को यहाँ पर आ जाना अपने फोटो पर। एंड इस प्रीसेट को कैसे आप लोग को डाउनलोड करना वो भी आप लोग को मैं आगे बताऊँगा। एंड यहाँ पे दोस्तों इस पे आप लोग को आ जाना है 3 डॉट पे, एंड यहाँ पे 3 डॉट पे आके दोस्तों आप लोग को कॉपी सेटिंग पे सेटिंग आ जाएगा दोस्तों, कॉपी सेटिंग के नीचे इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों। ऑनली वन क्लिक में आप लोग का बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का हो जाएगा। एंड दोस्तों उसके बाद आप लोग को क्या करना है, एडिट वाले ऑप्शन पर आके कलर्स वाले ऑप्शन पर आके यहाँ पर दोस्तों फ्रेंड्स आप लोग को टेम्परेचर जो है ना दोस्तों, इसका आप लोग को टेम्परेचर को इतना रखना है 30। उसके बाद मिक्स पर आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को इफेक्ट्स पे आना है, यहाँ से मैं टेक्सचर को मैं पूरा इनक्रीज रखूँगा दोस्तों, एंड क्लैरिटी को लगभग 60+ रखूँगा, एंड डिहेज को 22, एंड भिगनेट को दोस्तों मैं और कम रखूँगा। इतना अब देखो दोस्तों हमारा फोटो बिफोर एंड आफ्टर कितना बवाल है मेरा फोटो लग रहा है। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना दोस्तों, फ़ोटो को सेव करके इसके बाद आप लोग को रेमनी एप्लीकेशन के अंदर जाके HDR फोटो में कर लेना है। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं शेयर कर लेता हूँ दोस्तों रेमनी एप्लीकेशन के अंदर, जो कि फ्रेंड्स आजकल सब लोग रेमनी एप्लीकेशन को यूज करते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग को भी पता होगा कि यहाँ पे ऐड वगैरह देखना पड़ता है दोस्तों, तो यहाँ पे ऐड वगैरह पूरा देख लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने रेमनी वगैरह पूरा चला दिया अपने फेस पर, देख सकते हो बिल्कुल HDR हाई क्वालिटी में हो गया दोस्तों। उसके बाद आप लोग को क्या करना दोस्तों, फोटो को लेकर चलना पिक्चर एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर आप लोग को मैं फ्रेंड्स यहाँ पर लाइट्स वगैरह पूरा एंड हेयर को कैसे बड़ा करते हैं दोस्तों, वो भी आप लोग को मैं बताऊंगा। एंड यहाँ पे आप आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को नीचे टूल्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, टूल्स के ऑप्शन पे आके दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेच का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करके दोस्तों आप लोग को हेयर पे आना है। एंड जैसे देख सकते हो फ्रेंड, जैसे जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर हमारा हेयर उठ रहा है, देख सकते हो जितना आप चाहते हो फ्रेंड उतना अपना हेयर उठा सकते हो। यहाँ पर लगभग मैं इतना कर लेता हूँ दोस्तों, जो कि हमारा अच्छा लगे, ज़्यादा भी उठाओगे दोस्तों तो यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा आप लोग को भी। तो यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। डन करने के बाद फ्रेंड्स स्टिकर पे आके यहाँ पे मैं एक रेड लाइट इफेक्ट्स लिया था, तो रेड लाइट सर्च मार के दोस्तों मैं यहाँ पे ए वाला को सेलेक्ट कर लूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आप लोग को ब्लेंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो ब्लेंड वाले ऑप्शन पर आके दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन करोगे तो आपका लाइट हल्का सा फ्रेंड्स कम हो जाएगा। एंड कम हो जाने के बाद दोस्तों
यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है, जो कि मैं इसके पहले वाला फ़ोटो जो ऐसा आप लोगों को दिखाया था बिल्कुल ऐसा ही लगाया था। उसके बाद डन करने के बाद फ्रेंड्स एक मैं सनलाइट भी ले लूँगा, यहाँ पे एक सनलाइट जो कि मैं अपना इफेक्ट दिया था सनलाइट वाला, तो वो भी आप लोगों को स्टिकर में आसानी से आप लोगों को सारा ही PNG मिल जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करके दोस्तों मैं क्या करूँगा, ब्लेंड पे आके यहाँ फिर से स्क्रीन कर दूँगा एंड हल्का सा फ्रेंड आप लोगों को इस तरह से मैं यहाँ पे लगाऊँगा। उसके बाद मैं डन करके दोस्तों उसके बाद देखो हमारा हेयर देखो फ्रेंड्स बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद आप लोगों को फोटो को सेव करके ना आप लोग ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर मतलब स्केचबुक में लेके चलना फ्रेंड्स फेस स्मूथ करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को मैं स्केचबुक में फ्रेंड्स मैं इसे ओपन करता हूँ एंड स्केचबुक ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोग को मैं बताऊँगा कैसे आप लोग भी HDR हाई क्वालिटी में बिल्कुल इस तरह से फेस स्मूथ कैसे करेंगे। एंड दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैं इसे इम्पोर्ट डिस्कार्ड कर देता हूँ एंड डिस्कार्ड कर लेने के बाद दोस्तों मैं आ जाता हूँ यहाँ पे पिकसार्ट्स जो फोटो सेव किया था इससे मैं आ जाता हूँ दोस्तों। एंड इसको फोटो को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसे सिलेक्ट नहीं हुआ दोस्तों, कभी कभी इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। एंड इसको सिलेक्ट करके दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा फोटो आ गया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोगों को फेस स्मूथ करते हैं तो करते कैसे दोस्तों, सारे लोग आप लोग को बताते हैं लेकिन बिल्कुल फेक रियल नहीं बताते हैं दोस्तों। तो आप लोग को पेंसिल वाले आइकन पे आके ना दोस्तों यहाँ पे आप लोग को जो मैं ब्रश बताऊँगा ना बिल्कुल वही ब्रश आप लोग को सिलेक्ट करना। अगर वहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप लोग नए एडिटर भी हो या पुराने एडिटर भी हो ना उससे आप लोग को फेस स्मूथ बहुत ही हार्ड होगा, जो कि फ्रेंड्स सारे लोग जानते हैं कि स्मच से फ्रेंड्स हमारा फेस स्मूथ होता है ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पे आप लोग को स्मच का ना ये वाला ब्रश को आप लोग को सिलेक्ट करना सेकेंड वाले ब्रश को। एंड सेकेंड वाले ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर के साइड आप लोग को सेटिंग वाला इधर ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पे फ्लो एंड स्ट्रेंथ में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं दोस्तों। आप लोग को क्या करना है ना, फ्लो को एक रखना है एंड स्ट्रेंथ को भी एक ही रखना है। कितने लोग फ्रेंड्स आप लोग को स्ट्रेंथ को बढ़ाने कहते होंगे लेकिन मैं नहीं कहूँगा दोस्तों, इतना ही आप लोग को रखना है, फ्लो एक एंड स्ट्रेंथ दो। इतना रख लेने के बाद दोस्तों आप लोग को जब फेस स्मूथ करेंगे ना दोस्तों बिल्कुल HDR हाई क्वालिटी में आप लोग का फेस स्मूथ होगा देख सकते हो, जो कि मैं अभी फेस स्मूथ जो अभी फ्रेंड्स मैं फास्ट फेस स्मूथ कर रहा हूँ। देखो हमारा फेस देखो दोस्तों कितना हार्ड लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे गाल के साइड फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना दोस्तों। एंड प्रीसेट को कैसे डाउनलोड करोगे दोस्तों वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उस प्रीसेट पर जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे आप लोग को जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप लोग का रिक्वेस्ट एक्सेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिक्वेस्ट एक्सेस। वहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना दोस्तों तो मेरे में नोटिफिकेशन आएगा एंड नोटिफिकेशन आने के बाद दोस्तों ये मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा एंड एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों फिर से जब आप लिंक पे क्लिक करोगे आप लोग का प्रीसेट डाउनलोड हो जाएगा। मैं ये प्रीसेट डाउनलोड वाला स्टेप फ्रेंड्स मैं हर वीडियो में आप लोग को मैं बताता हूँ एंड आप लोग को सारा फ्रेंड्स आप लोग को स्मूथ करना जहाँ जहाँ आप लोग को लगता है दोस्तों कि यहाँ यहाँ हमारा स्मूथ होना चाहिए तो आप लोग को स्मूथ करना है, जो कि फ्रेंड्स मैं इतना फास्ट में कर रहा हूँ दोस्तों तो भी देख सकते हो हमारा फोटो कितना बवाल लग रहा है। थोड़ा थोड़ा फ्रेंड्स आप लोग को आराम आराम से करना है तो ही आप लोग को बिल्कुल इस तरह से फेस स्मूथ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।